किसान योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज काफ़ी सारे किसान भाई हैं वो मुझे कमेंट्स करके पूछ रहे हैं, और काफ़ी सारे किसान भाइयों का कमेंट्स भी यहाँ पे आया है कि हमारा मोबाइल नंबर जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है उससे लिंक नहीं है, तो हम अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे। और बहुत से किसान भाइयों ने जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन कर रखा है बट उनको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है, तो वो अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे। यानी काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे पास जो हैं वो किसानों के आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब से ये नया ऑप्शन आया है वन ऑफ एक्चुअली स्टेटस का, और यहाँ पे जो ऑप्शन दे दिया गया है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए यार, रजिस्टर नंबर या मोबाइल नंबर से आप जो है वो अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। पहले ऐसे नहीं था, पहले सारा कुछ आप देख सकते थे, और काफ़ी सारे प्रॉब्लम जो है वो किसानों को अब देखने को मिल रही हैं, क्योंकि ये न्यू अपडेट है। ओल्ड वाले जो अपडेट था, यानी ओल्ड वाला वर्जन था, उसमें तो किसान भाइयों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, बट अब ज़रूरत पड़ रही है। तो काफ़ी सारे किसान भाइयों का कमेंट्स आ रहा है कि सर हम कैसे चेक करें, हमारा स्टेटस हम नहीं देख पा रहे हैं, तो ऐसे में हम क्या करें। तो आज इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं, और आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी कट मत करिएगा। मेरा नाम है राजू गंगवार, आप देख रहे हैं पीएम किसान योजना चैनल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो यहाँ पे मैं हमेशा डालता रहता हूँ और आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो किसान भाइयों, अगर आपका मोबाइल नंबर और जो रजिस्टर नंबर आपको पता नहीं है, या फिर मोबाइल नंबर आपका लिंक नहीं है पीएम किसान योजना में, तो आपके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे आप अपना स्टेटस यहाँ पे चेक नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए चेक करने के लिए एक बार हम ट्राई करके देख लेते हैं कैसे जो है वो हम चेक करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। किसान भाई, सबसे पहले आपको यहाँ पर आएँगे, इसको कट कर देंगे, और यहाँ पर हम डाल देना है, मैं आपको यहाँ पर डाल कर दिखाता हूँ, पीएम किसान, ठीक है, ऐसे ही आपको डाल देना है पीएम किसान सुविधा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखेंगे ये आ गया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं हम पीएम किसान सुविधा पे आ चुके हैं, और आने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे पीएम यानी जो किसान सुविधा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। आ जाने के बाद में आप देख सकते हैं पीएम किसान, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। आ जाने के बाद में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पहले ढूंढ लेना है, यानी हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वन ऑफ एक्चुअली स्टेटस पेमेंट एंड स्टेटस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे आप अपना कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे आपका आधार नंबर क्या है, या फिर अकाउंट नंबर क्या है, या आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा, इन दोनों को आप डाल सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, एक आधार नंबर है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, और जो वैल्यू है वो मैं आपको यहाँ पर डाल कर दिखा देता हूँ, और अभी आपको पहले रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाऊंगा, और अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे वो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे जो है आधार नंबर डाल दिया है, और डालने के बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे गेट एक्टिवेट इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ से आप कोई भी एक इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये नहीं आपको दसवीं ही करनी है, जौन सी आपको दिल में आए, आपके मन में आए वो कर सकते हैं। तो सपोज कीजिएगा मैं 5 इंस्टॉलमेंट है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और डिटेल्स पे क्लिक कर लेंगे। डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो इनका नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मैंने यहाँ पे ब्लर कर रखा है। और उसके बाद में आप देखना चाहेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, ये यूपी से है, और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप अगर और भी स्टेट से और आपको नहीं मिल रहा है तो आप इस प्रकार से अगर सर्च करेंगे तो आपका नाम जो होगा वो दिख जाएगा, आप कौन सी स्टेट में वो भी दिख जाएगा, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ठीक है, मैं इस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और जो है अभी आगे जो बिना मोबाइल नंबर, यानी जिन किसान भाइयों का मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो अभी हम यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं कि उनका स्टेटस क्या बताता है, चेक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसके लिए कॉपी करने के बाद हम इस वेबसाइट पर आ चुके हैं। आ जाने के बाद में हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं आपको पहले से ही रजिस्ट्रेशन जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वहाँ पर सेलेक्ट रहेगा, तो आपको यहीं पर सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद में यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देख लेना है, इंटर वैल्यू, तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। तो चलो मैं आपको यहाँ पे डालकर दिखा देता हूँ। ठीक है हम भाई, मैंने यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल दिया है। अब उसके बाद में आता है इमेज, चलो हम इमेज को भी यहाँ पर डाल लेते हैं।
और इमेज को डालने के बाद हमें क्या करना है किसान भाइयों, अभी इसको एक बार ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है, ये भी हमने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे जो है जनरेट ओटीपी, तो ओटीपी जो है वो आपके मोबाइल पर जाएगा। तो अभी हम एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी देख सकते हैं आप, ये ओपन नहीं हो रहा है। यहाँ पे बोल रहे हैं इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी अभी ये वेबसाइट जो है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जनरेट ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो आप यहाँ पर जो डिटेल्स है वो चेक नहीं कर पाएंगे। आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपना मोबाइल नंबर लिंक करना पड़ेगा, तभी आप जो है अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे, अन्यथा आप यहाँ पर चेक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये अपडेट पहले था कि आप बिना मोबाइल के चेक कर लेते थे अपना अकाउंट नंबर और आधार नंबर डालकर, बट अब ऐसा नहीं है। आपको अपना मोबाइल नंबर पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो है वो लिंक कराना पड़ेगा, इसके बाद ही आप इस योजना का मतलब जो स्टेटस है वो आप बेनिफिशियरी स्टेटस उसको चेक कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई कन्फ्यूजन या कोई परेशानी है और आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूँ और अपना मोबाइल नंबर जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आप रजिस्टर कर सकें। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करिएगा जिन जिन किसान भाइयों का मोबाइल नंबर जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लिंक नहीं है। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।